गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं विज्ञान का अध्यापक। कक्षा 6 में विज्ञान विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 गति एवं दूरियों का मापन, गति एवं दूरियों को मापना चैप्टर नंबर 10 है, पेज नंबर 95। आज 22 दिसंबर 2020 को इसके अंतर्गत मैं आपके पास चैप्टर नंबर 10 लेकर के आया हूँ, जिसे देखेंगे। पहली तथा बूझो की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्म अवकाश में भ्रमण किए गए स्थानों के बारे में सामान्य चर्चा हो रही थी। एक बच्चा अपने पैतृक गांव रेलगाड़ी, फिर बस, अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके गया था। एक वर्ष विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की तथा एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र एवं उनके लेखों को पढ़ने के लिए कहा, जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया। इस बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही तथा अब यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। यातायात की कहानी। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगा। प्राचीन काल में जलमार्ग में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से उनमें खोखली गुहिकाएं बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़ करके नाव की आकृति बनाना सीख लिया। नाव में जल रहने वाले जीवों को नावें जल में रहने वाले जीवों को आकृतियों के सदृश थी। अध्याय 8 एवं 9 में मछलियों की धारा रेखीय आकृति से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहियों के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाजों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के लिए
नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटरकार, ट्रक, बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जलपन परिवहन करने के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों को उपयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, जिसमें बाद में सुधार किए गए और इसमें यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल एक पटरी पर चलने वाली, प्राधानिक सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। चित्र 10.1 में परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। इन्हें प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है? देखेंगे इसको। ये है वो साधन, इधर देखेंगे, प्राचीनतम साधन है। तो इसमें अपन सबसे पहले लेंगे बैलगाड़ी को। जहाज, साइकिल, रेलगाड़ी, बस और हवाई जहाज। ये डेस्क कितना चौड़ा है, लोग ये कैसे पता लगाते हैं कि वे कितनी दूर चले हैं? आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? कोई स्थान कितना दूर है, यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे, पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान देना होगा। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की हमें आवश्यकता होती है। पहली तथा बूझो की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते हैं। पहली तथा बूझो एक डेस्क के साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया गया तथा डेस्क के दो बराबर भागों में बांटने का के लिए एक रेखा खींची गई। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने की शौकीन है। बूझो तो सदैव ही अपने आसपास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई
गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किए कैसे किया? ऐसा लगता है डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य की रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों का आधा आधा डेस्क मिल गया है। इसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूजो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार नापता है। चित्र में दिखाया गया है 10.3 में। हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई, डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच गया। यह तो एक गिल्ली की लंबाई के से कम है। अब क्या करूं? आप पहली और बुजों का क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई मापने ले? क्या लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट अथवा गुल्लियों का उदाहरण कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही एक समस्या उत्पन्न हो सकती है? वे एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी ले और इस पर दो चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में भी किस प्रकार कर सकते हैं? डोरी को मोड़ करके डोरी की लंबाई का आधा, एक चौथाई तथा आठवां भाग 1/8 कर सकते हैं। अब संभवतः पहली तथा बुजो डेस्क की अर्थात लंबाई उस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इनमें अपने ज्यामितीय बॉक्स के पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बुजो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तो लोग दूरियाँ कैसे मापते थे, तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियों मापने के प्रयास कर चुका है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बड़ाई किसी अलमारी की लंबाई चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने के लिए इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह जान सके कि वह अपने खेत में किस बीज का को बो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है तो आप एक सरल रेखा को लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक लंबाई के बराबर हो। यह कमरा कितना लंबा है? यह डेस्क कितना चौड़ा है? दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है? पृथ्वी से ग्रहण चंद्रमा कितनी दूर है? इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी को संबंधित है। दो स्थान मेज के दो किनारे की तरह पास पास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कश्मीर या कन्याकुमारी की तरह हैं, एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। आइए अब हम कुछ मापन या जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो क्या सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है।
चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैर की भाग की लंबाई मापने के लिए किसी चौड़ी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रेक्षकों की सारणी 10.1 में लिखिए। समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिश्त की मानक मात्रक मान करके अपनी कक्षा में कमरे की रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। मापने के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिश के बराबर लंबी डोरी अथवा डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। अपने प्रेक्षकों को सारणी 10.2 के अंतर्गत लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करता है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। पहला प्रश्न आया है बच्चों हमारा कि मात्रक किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है मात्रक किसे कहते हैं, ये आपको करके लाना है। पेज नंबर 98 पे इसका आंसर है। मात्रक किसे कहते हैं, किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या, दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप एक में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया है। अब सारणी 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्ययन कीजिए तथा प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई ये सभी माप बराबर है। क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बलिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? शायद ये परिणाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिश लंबाई में आपके मित्रों की बालिशों से भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाई में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिशों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो ये नहीं समझ पाते कि लंबाई वास्तव में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है। अतः हम देखते हैं कि हमें मापन के कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता है जो सभी व्यक्तियों के लिए समान है। मापन के लिए मानक मात्रक। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया था क्योंकि ये खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामिति रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था जिसे संसार के अन्य भागों ने भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई भिन्न भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बाह के सिरे से अपने ठोड़ी तक का मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों में लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय उनकी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक रूप में करते देख सकते हैं। सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रक के रूप में उपयोग होता रहा है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसिसियों ने मापन की एक मानक
प्रणाली की रचना की, जिसे मिटरी पद्धति कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 आ रहा बच्चों, मिटरी पद्धति किसे कहते हैं? मिटरी पद्धति किसे कहते हैं? एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों को एक सेट को स्वीकार किया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। मीटर मापने 10.6 चित्र में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्यामिति बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रत्येक मीटर एम को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। एक सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार एक मीटर बराबर 100 सेमी और एक सेमी बराबर 10 एमएम। लंबी दूरियों के मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इसे किलोमीटर कहते हैं। 1 किमी बराबर 1000 मीटर। अब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा कर सकते हैं। सब लंबाइयों को ऐसे ही मात्रकों के माप में माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरी तथा लंबाई या मापने का सही ढंग जानना होगा। तीसरा प्रश्न करना है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली किसे कहते हैं? ये पेज नंबर 99 पे मिलेगा आपको। आज हमने इतना पढ़ा, कल हम इस पाठ का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक आपको आज जो दिए गए प्रश्न हैं उनके जवाब लिखने हैं। आपको ये सारा होमवर्क आपकी अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आपको मुझसे पूछना है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है होमवर्क को लेकर के। होमवर्क आपको करना है, निश्चित रूप से करना है। इस होमवर्क के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा और वो आपको हाफ एंडली तक के जो आपके नंबर होते हैं, तीनों टेस्ट और हाफ एंडली की मिला करके, उसको प्राप्त करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। क्योंकि अभी अपने हमारे पास हाफ एंड परीक्षा नहीं हुई है और तीनों टेस्ट नहीं हुए हैं, इसलिए होमवर्क को ही मूल्यांकन का आधार माना गया है। इसलिए आप लोगों को करना है होमवर्क सबको, और जब आपका 3-4 लेसन हो जाए, काम इकट्ठा हो जाए, तब आपको इसको चेक कराने के लिए आना है। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।